इंद्री में मनरेगा मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। राजीव गांधी पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुनील पवार व महिला नेत्री डॉक्टर नवजीत कौर कश्यप के नेतृत्व में इंद्री कुंजपुरा व करनाल ब्लॉक के हजारों की संख्या में मनरेगा मजदूरों ने इंद्री में एसडीएम कार्यालय पर पहुंचकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाम अपनी मांगों का एक मांग पत्र इंद्री के एसडीएम सुमित सिहाग को सौंपा गया। प्रदर्शन में महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। मांग पत्र देने से पहले सभी मनरेगा मजदूरों ने इंद्री की अनाज मंडी में एकत्र होकर अपनी रणनीति बनाई और फिर उसके बाद एक जुलूस की शक्ल में नारेबाजी करते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि मजदूरों का न्यूनतम वेतन डीसी रेट के अनुसार 550 रुपए प्रतिदिन निश्चित किया जाए। मनरेगा कानून के तहत मजदूरों को औजार मुहैया कराया जाए। जिन लोगों को 100-100 गज के प्लाट नहीं मिले हैं उन्हें प्लाट दिलवाए जाए। मजदूरों को मजदूरी मनरेगा कानून के तहत पैमाइश के हिसाब से दी जाए, ना कि दिहाड़ी के हिसाब से। वहीं एसडीएम सुमित सिहाग ने कहा कि मनरेगा मजदूरों ने अपना एक मांग पत्र मुख्यमंत्री महोदय के नाम दिया है, जिसमें उन्होंने अपनी मांगों को रखा है। उनका यह मांग पत्र मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचा दिया जाएगा। माना सारी परेशानियां जी, आम दिहाड़ी करा माना मिल नहीं सकती। माना 60 साल की उम्र होगी, 60 साल की उम्र होगी, मेरी पेंशन नहीं बनती है। लड़के लड़की मेरे पास आ, आदमी मेरा एक आगता रहा, मिल नहीं रहा कुछ भी। मनरेगा में जो जॉब कार्ड मिलता है उसमें हाजिरियां लगती है? कोई नहीं हाजिरी लग रही। आप लोगों को मनरेगा काम करते टाइम जब पेट लगती है, पैसा मिला कभी? आपने कसी तसला मिला कभी? नहीं, कुछ नहीं मिला कभी, कुछ भी। हमारी सरकार से यही मांगे हैं कि हम गरीब मजदूरों को पक्के मकान दिए जाए। और क्या है, हम मजदूरी करते अगर खर्चा भी नहीं चलता उससे। हमारी सरकार से और सरपंच से यही मांगे हैं कि हमारे पक्के मकान जरूर कराए जाए। पूरे इंद्री हलके के तीनों ब्लॉक से, कुंजपुरा ब्लॉक, हमारा इंद्री ब्लॉक, करनाल ब्लॉक, सभी के जो मनरेगा मजदूर हैं वो अपनी समस्याओं को लेकर इंद्री अनाज मंडी शेड के नीचे एकत्रित हुए। और मेन मकसद इन लोगों का है कि इनको समय पे काम मिले, काम का पूरा दाम मिले। और जितनी भी मनरेगा एक्ट 2005 के तहत सुविधाएं एक मनरेगा मजदूर को मिलनी चाहिए, इस सरकार ने पिछले 5 साल में ऐसा कोई काम नहीं किया जो मनरेगा एक्ट के तहत इनको मिलना चाहिए था। तो हम उसकी बहाली की मांग करते हैं सरकार से। इन लोगों को जिनको 100-100 गज के प्लाट नहीं मिले उनको 100-100 गज के प्लाट दिए जाएं। इन लोगों को घर बनाने के लिए जो ग्रांट नहीं मिली तो घर बनाने की पीएवाई स्कीम के तहत ग्रांट दी जाए। शौचालय बनाने के लिए गड्ढे खुदवा के डाल दिए, ब्याज बट्टे पे लेकर इन लोगों ने वो शौचालय बनवाए। तो 12-12 हजार रुपए जो इनको मिलने चाहिए वो सरकार से हमारी मांग है कि उनको मिलने चाहिए। डीसी रेट के हिसाब से जो 550 रुपए दिहाड़ी प्रति मजदूर प्रति दिहाड़ी के हिसाब से बनती है वो बढ़ाकर इनकी 550 रुपए दिहाड़ी किए जाए और 200 दिन का रोजगार दिया जाए। इसके अलावा बहुत सारी 20 बिंदुओं के ऊपर आज हम सरकार के पास अपना ये मांग पत्र लेके जाएंगे और निवेदन करेंगे कि जल्द से जल्द इन लोगों की मांगे पूरी करें। अगर ये सरकार इन लोगों की मांग पूरी नहीं करती तो हम लोग धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और जहां तक भी सड़कों के ऊपर लड़ाई लड़नी पड़ी तो निरंतरता के साथ इस सरकार के विरुद्ध हम लड़ते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात भाई, गांव के सरपंच हैं, गांव के मेंबर पंचायत हैं, उनके ऊपर भी ये सरकार दबाव डालती है कि भाई रोजगार देने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप रोजगार दोगे तो इन लोगों के श्रमिक कार्ड बहाल करने पड़ेंगे। श्रमिक कार्डों पे इन्होंने शर्त लगाई कि 90 दिन का काम होना चाहिए, 90 दिन का काम ये देते ही नहीं किसी को, तो ये श्रमिक कार्ड इनके जो शर्त है वो पूरी कैसे करेंगे। तो इस तरीके से हम सभी से निवेदन करेंगे कि गांव के सरपंचों को भी आजाद रहने दें, गांव के सरपंचों को भी एड मिले कि वो लोग इन लोगों की अच्छे से मदद कर पाएं और मनरेगा के मजदूरों की आवाज किसी भी कीमत पर दबने नहीं देंगे। मजदूर एकता। आज एक दिल्ली लगभग 400-500 लोगों का डेलीगेशन जो है वो हमें आकर के मिला है, और जैसा कि इन्होंने अपनी 20 मांगे, नरेगा मजदूरों ने अपनी 20 मांगे जो हैं मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपा है हमें। ये इस मांग में मुख्यतः आयुष्मान भारत में शामिल करना और पेमेंट और जॉब कार्ड संबंधी अलग अलग बातें हैं। ये जितनी भी मांगे हैं इस ज्ञापन में लिखी हुई हैं, इसे हम कंसर्न्ड अथॉरिटी को, सीएम साहब को उचित माध्यम से पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।